एक एक ढलान पे कैंटीन मिल रही है देखने को। और यहाँ पे हम चल रहे थे तो रास्ते में मिल रहा है देखिए खीरा, हिंदी में बोल रहे हैं मगर है काकड़ी। तो ये प्लेट कितने का अंकल? 10 रुपये का। और आप यहाँ पे कितना टाइम रहते हो? पूरा दिन रहते हो? अच्छा, और यहाँ पे ट्रैफिक कब ज्यादा होती है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये काकड़ी जो अभी फिलहाल हमें नहीं खानी, हम जा रहे हैं नीचे और नीचे जाके फिर आपको कुछ दिखाएंगे खिलाने पिलाने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो आप ये अभी देख रहे हैं हम दिखाने वाले आपको जो पत्थर वाइट वाला, वो पत्थर वही है, तकरीबन 850 साल पुराना ये पत्थर है। एक टाइम का वाक्य है कि ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल जादूगर ने फेंका था ये पत्थर, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी दो उंगलियों से रोक लिया था और कहा था कि अल्लाह के हुक्म से आ रहे हो तो आ जाओ, जो किसी और के हुक्म से आ रहे हो तो रुक जाओ, और रुक गया था। और अब भी 2 फीट ऊपर ये है, देख सकते हैं आप अपने आँखों से मंजर का। अभी यहाँ पे जड़ी सब आप मिला के देते हो दवा, ये आयुर्वेदिक दवा है ना पुरानी, ये पुरानी दवाइयाँ मिल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। और ये भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम बस आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं हम और अब बस पहुंचने ही वाले हैं हजरत पीर बाबा ताकत अली की मज़ार शरीफ पे। और यहाँ पे पहुंच के आपको बता रहे हैं मगर बीच में एक अच्छा सा व्यूज आ रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सिनेमेटिक शॉट ले लूँ और पी रहे हैं स्टीम। वाई भाई हमारे क्या बात है भाई, चलो 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 चलो, क्या नज़ारा है भाई, एक नंबर पूरा का पूरा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी हमारे यूट्यूबर चल रहे हैं अभी साथ में सोडा की बोतल लेके। और बहुत डेंजरस रास्ता है हकीकत कहें तो, बिल्कुल मतलब के गर्मी बहुत है और ठंड भी थोड़ी थोड़ी है, क्लियर है कि मतलब ठंडी भी जा रही, ठंडी भी है थोड़ी थोड़ी, गर्मी भी है, सुकून भी मिल रहा है कि एक मजार पे हम जा रहे हैं और वहाँ से जाके सलाम करेंगे। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पूरा का पूरा पहाड़ ही पहाड़, यहाँ पे इतनी हरियाली है। चलिए भाई चलिए, चलो 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 चलो। आप बंदर देख सकते हैं, यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं इस जंगल में मौजूद है अभी।